अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन खिचड़ा, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मेरे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले उसमें लगने वाली सारी चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें लगने वाली दाल और इसमें लगने वाला घेव और जौ और चौलई, तो इनकी क्वांटिटी मैंने कितनी ली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, ये वाली वाटी से मैंने ली हूँ ये जौ, इसे जौ बोलते हैं। जब आप किराने की दुकान में जाएंगे तो आप बोलेंगे ना हमें खिचड़े का जौ चाहिए, तो उन लोग आपको आसानी से दे देंगे। और ये है खिचड़े का घेव, ये भी मैंने ये वाटी से ली हूँ। दोनों भी हमें ये वाटी से एक लेना है और ये वाटी से ये, बराबर बराबर। ये मैंने ली हूँ चौलई, ये देखिए चौलई तो आप लोगों को पता ही रहेगी, तो ये भी मैंने एक वाटी ली हूँ। अभी ये वाली वाटी से सारी चीजें मैंने एक 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 करके ली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली वाटी से मैंने ली हूँ उड़द की दाल, ये वाली वाटी से मैंने मूंग की दाल ली हूँ, ये वाली वाटी से मैंने चने की दाल ली हूँ, यही वाली वाटी से मैंने चावल ली हूँ, यही वाली वाटी से मैंने मसूर की दाल ली हूँ, ये वाली वाटी से मैंने तुअर की दाल ली हूँ। तो आ गया आप लोगों को समझ में। तो चलिए अभी हमें इसे कैसे भिगाना है मैं आपको बता देती हूँ। दोनों को हमें अलग अलग भिगाना है, तो मोहरम स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे, ये तीनों को एक ही साथ हमें भिगाना है। पहले हम इसे 4 से 5 पानी से धो लेंगे। इतना पानी इसके अंदर हमें डालना है कि ये हमारे सारी चीजें अंदर अच्छी तरह से डीप हो जानी चाहिए। हो गया? हो गया। अभी एक बर्तन में हम ये सारी दाल और चावल एक साथ भिगाएंगे। अभी हमें ये दोनों चीजों को रात भर भिगो के रखना है और हमें इसे पकाना है कल सुबह में। अगर आपको इसे शाम को पकाना रहेगा तो इसे सुबह में भिगो देना, बराबर बराबर। तो चलिए अभी मिलते हैं हम दूसरे दिन। तो चलिए अभी है दूसरा दिन। दूसरे दिन हमें इसके अंदर जितना पानी है वो पानी को फेंक देना है, और इसे मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से पानी में भीग चुका है। हमारा जौ भी अच्छी तरह से गल चुका है, घेव भी अच्छी तरह से गल चुका है, और चौलई भी अच्छी तरह से यानी गल चुकी है, गली यानी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अभी इसे डाल देंगे कुकर में। कुकर में डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कम से कम 3 गिलास पानी, और इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के नमक। नमक के साथ में हम इसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, यानी 1/2 चम्मच से भी कम हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हाँ, हाथ का इस्तेमाल करने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। इतना पानी डालना है कि इसके अंदर अपनी हमारी 4 उंगली डूबनी चाहिए। चलिए अभी कुकर का ढक्कन लगा देंगे और एक तरफ गैस को ऑन कर देंगे और इसे रख देंगे पकने के लिए। इसे मीडियम गैस पे रखना, एकदम फास्ट पे मत रखना। फास्ट पे क्या होगा, आपकी जो दाल है वो गल जाएगी और नीचे से दाग भी लग जाएगा, गलेगी नहीं नीचे से दाग लग जाएगा। तो चलिए अभी ये सारी है दालें, जो मैंने दालें ली थी ना, दाल चावल बिवल वो सब, उसका भी पानी फेंक देना है और उसे भी एक कुकर में डाल देना है। सारा हम कुकर में डाल दिए, उसमें मैंने 3 गिलास पानी डाली थी वो अलग कुकर में रखी हूँ पकने के लिए, ये अलग कुकर में रखूंगी। इसमें भी डालूंगी मैं 3 गिलास पानी और हल्का सा हल्दी पाउडर, बराबर बोल रही हूँ ना आसिफ। हाँ, तो चलिए इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। नमक का आपको ध्यान रखना है, सारी दालों में भी हम नमक डालेंगे और मसालों में भी नमक डालने वाले। चलिए अभी हाथों से अच्छी तरह से घुमा लेंगे। इसमें भी इतना देखना है कि हमारी 4 उंगली डूबनी चाहिए। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो 1/2 गिलास मैंने और डाली, कुछ कचरा आ गया था उसे निकाल कर फेंक दी। चलिए अभी कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे भी रख देंगे पकने के लिए। उसकी ले लेंगे 5 से 6 सीटी और इसकी भी ले लेंगे 5 से 6 सीटी
6 सीटी बराबर बराबर। चलिए दोनों दालें हमारी एक तरफ गल रही है, आइए हम चिकन को मैरिनेट कर लेते। तो ये मैंने ली हूँ कम से कम 2 किलो चिकन। चिकन को मैंने साफ करके धो ली हूँ और चिकन के पीस हमें खूब बड़े बड़े से रखने हैं, है ना। हाँ। कौन सा मसाला यूज किया मैंने? ये शाही खिचड़ा मसाला। शाही खिचड़ा मसाला ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। चलिए तो 1 किलो के लिए 1 पैकेट है, मगर मैं 2 किलो बना रही हूँ तो 2 पैकेट यूज कर रही हूँ। सादा डाल दिए, अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो ये 1 डब्बा 10 रुपये का मिलता है, इसी तरह का आप 2 डब्बा डालिए, यानी 20 रुपये का दही हम इसमें डालेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 कटोरी दही आप डाल सकते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल दिए सारी चीजें, सारी चीजें डाल दिए। अभी हम इसे क्या करेंगे, इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें नमक तो होता ही है हमारे शाही मसाले में, अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा चिकन में नमक लगना चाहिए इसलिए नमक डालना है तो हल्का सा आप 1/2 चम्मच नमक इसमें भी डाल सकते हैं। चलिए अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और रख देंगे इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। जब तक का हमारी दाल वगैरह सब गलकर रेडी हो जाएगी। भारी रखने का है? हाँ भारी रखो, भार रखेंगे तो भी चलेगा, फ्रिज में रखेंगे तो भी चलेगा। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी दाल जो है छोटे कुकर वाली गलकर रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसे ग्राइंडर से अच्छी तरह से घोट लूंगी। आपके पास में हैंग ग्राइंडर है तो हैंग ग्राइंडर से घोटिए, या नहीं तो अगर आपके पास में दाल घोटनी है तो दाल घोटनी से घोटिए। और हाँ, इन दालों में जो भी आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी आपको गर्म लेना है। एक जगह देखिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, मुझे जब भी पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं गर्म पानी इसमें यूज़ करूँगी। पूरी रेसिपी बनाने के समय मैंने गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया। ये देखिए गैस के ऊपर से ले रही हूँ गर्म पानी और वही यूज कर रही हूँ, है ना। मतलब ठंडा पानी नहीं यूज करने का? एकदम ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी यूज करेंगे तो पानी भी नहीं, नॉर्मल पानी नहीं, गर्म पानी, कुनकुना पानी यूज करना। अभी क्या होएगा पता है, इसे आप है ना एकदम घट मत बना देना। और ये काम करते करते यहाँ पर मेरी सीटी उड़ गई पूरी, और अच्छा हुआ कुकर नहीं फटा। चलो आप लोगों की दुआ से मैं बच गई, और दूसरी बात पूरा मेरा सीटी उड़ के मेरे POP पर चली गई और सब मेरा POP खराब हो गया। तुम्हारे भाई ने बाद में पूछे मगर मुझे डांटे भी, ध्यान किया कर काम करने के समय। तुम्हारे भाई आए फिर बोले हट इधर से हट, मैं गुस्सा कर रहे थे कुछ भी घाई घाई में काम करती है, देखो मैं देखो भादुशाह जफर बन जाती हूँ। तो चलिए ये हमारी चौलई घेऊ और जौ ये भी गल चुका है। ये देखिए अब ये क्या है ना, ये पूरी तरह से गल तो गया है मगर दिखने में आपको अक्का अक्का दिख रहा है। इसमें भी मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल की हूँ। अभी कितना पतला रखना है और कितना घट करना है ये आपके ऊपर है। अब इसे भी मैं हैंग ग्राइंडर से घोट दूंगी। अब पहले के ज़माने में क्या करते थे, हैंग ग्राइंडर वगैरह ये सब तो नहीं थे, सब दाल घोटनी से इतना घोटते थे कि हमारे हाथों में दर्द उठ जाता था। मगर अभी बोलते हैं ना इतना फैसिलिटी निकल गई है इंसानों के लिए, क्या सारी चीज़ें बनाना भी आसान हो गया है और मेहनत भी कम हो गई है। बराबर। तो चलिए अभी मैंने इसे भी घोट ली। अभी इन दोनों को मैं घोट के एक साइड में रख दूंगी। अभी एक तरफ मैं मसाला रेडी करूंगी। और गाइस एक बात कहना चाहती हूँ, आप चिकन की बोटी को थोड़ी बड़ी बड़ी सी मार के लेना, बड़ी मारने से क्या होगा अपना गोश्त गलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक जगह मैंने टोप रख दी हूँ गर्म होने के लिए, उसके अंदर मैंने डाली थी 6 से 7 चम्मच तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म होएगा तो इसमें डालेंगे 7 मीडियम साइज के प्याज। 7 मीडियम साइज की प्याज मैं डालूंगी। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर हो जाएगा तो थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूंगी, यानी 2 प्याज का बिरिस्ता मैं निकाल लूंगी, बाकी का मैं उसी में रखूंगी। बरो बोले ना माँ? तो चलिए अभी इसी के अंदर मैं डाल लूंगी 6 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर आपकी मर्जी, जैसे कटिंग करना है वैसे कटिंग कर सकते हैं। चलिए अभी टमाटर डालने के बाद में टमाटर को हम सॉफ्ट हुए तक का 2 मिनट तक का पका लेंगे, है ना। गैस को एकदम हाई पे भी नहीं और एकदम स्लो पे भी नहीं, मीडियम पे रख के आपको सारी रेसिपी बनानी है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर ये जल गया ना नीचे से तो उसकी स्मेल आने लग जाती है। अभी इसमें जाएगा 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। वाटी को अच्छी तरह से साफ करके डालिए, वेस्ट कुछ भी मत कीजिए, है ना। हाँ। अभी चाहिए इसमें साबुत अखे गरम मसाले, यानी 4 से 5 तेज पत्ते, दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, काली इलायची 5, लौंग 10 से 12, काली मिरी है ना बराबर, 2 बादियाम फूल, 5 से 6 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच शाह जीरा,
बराबर बोली ना आसिफ। तो चलिए अभी ये सब डालने के बाद में भी हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। गरम मसाले में पहले भी डाल सकती थी मगर मुझे बिरिस्ता बनाकर निकालना था इसलिए मैंने गरम मसाले बाद में डाली है ना। अभी इसमें जाए कुछ पाउडर मसाले, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच नमक है ना। नमक की क्वांटिटी आप अपने मर्जी के हिसाब से डालिए। सारे पाउडर मसाले हमने इसमें डाल दिए। अभी इन सबको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसे हमें 2 से 3 मिनट तक का मसालों को भून लेना है जैसे कि हमारी सारी कच्चे मसाले की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए बाद में मैं क्या करूँगी, इसके बाद में मैं इसमें डाल लूँगी चिकन। तो ये जितना चिकन में मसाला लगा के रखी थी वो सारा चिकन मैं इसमें डाल लूंगी। अभी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको गैस मीडियम पे रखना है और दूसरी बात आपको इसे कम से कम सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है। 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना और थोड़ी सी 5 से 6 हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे। हाँ अभी आपको इसे सिर्फ 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट पका दोगे तो आपका चिकन है वो गल जाएगा और हड्डी में से अलग हो जाएगा और फिर हमारे खिचड़े के अंदर जो है गोश्त दिखाई नहीं देगा, पूरा फैल जाएगा। एक तरफ मैंने पानी भी गर्म होने रखी हूँ क्योंकि खिचड़े में गोश्त है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। चलिए जब तक हमारा गोश्त गलता है आइए मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। गरम बहुत हो रहा है, बहुत गरम हो रहा है। चलिए अभी ये दोनों दालों को मैं एक टोप में डाल के मिक्स कर लूँगी। आप लोगों को समझ में आया क्या, नहीं आया, मगज में आया क्या, मेरे को कमेंट में जरूर बता देना भाई, है क्या नहीं। तो चलिए अभी ये दोनों दालों को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में इसे डालूँगी मैं हमारे चिकन में। बराबर। और माशाल्लाह मैं बोलूँ इतना अच्छा बना था ना, और इस सच्ची बात कहना चाहती हूँ मैंने खुद ने भी पहली बार चिकन का खिचड़ा बनाई अपनी लाइफ में। हाँ। पहली बार बनाई और पहली बार में इतना अच्छा बना था कि पूछो मत। अभी मैंने दोनों दालें मिक्स कर दी, उसमें डाली 2 गिलास पानी। पानी डाल के मैंने रखी हूँ इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए। जब तक का हमारा गोश्त वहाँ पर हल्का फुल्का गल जाता है जब तक हम इधर दाल को एक उबाल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मस्त मसाला भी भुने गया है और गोश्त आधा गल चुका है। एक बार मैं चम्मच मार लेती हूँ। अभी ये बहुत भारी काम है क्योंकि एक हादसा तो मेरे साथ हो गया, कुकर की सीटी उड़ के किधर गई वही पता नहीं चला है ना। सब घर में कुकर की सीटी उड़ रहे और आधी भाई कितना बाहर भाग गए, दोबारा भाई चिल्लाने लगे मुझे जोर में, अल्लाह अभी दोबारा आई थी कभी कुकर में ना मैंने ना एकदम ये कर दी थी, क्या क्या मिस्टेक हो गई। चलिए अभी ये दाल को उठाकर मैं क्या कर दूंगी, इस चिकन के अंदर डाल लूंगी आराम से। माशाल्लाह ये देखिए ये सारी दाल डाल दी मैंने इसके अंदर। हाँ इस टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा ऑयल निकालना है तो ऑयल थोड़ा सा पहले निकाल लेना क्योंकि खिचड़े के ऊपर डालने के लिए, अगर आपको नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं ऐसे भी अच्छा ही लगेगा है ना। मेरे पास में पहले का ऑयल रखा था, क्या बनाई थी मैंने, नली निहारी का ऑयल रखा हुआ था मेरे पास, तो वही मैंने बाद में इसके ऊपर डाली। तो चलिए अभी ये सारी सब खिचड़े का जितना मटेरियल था सब इसमें चला गया चिकन के अंदर। अभी इसको खूब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं मिक्स भी कर रही हूँ तो मेरा गोश्त टूटना नहीं है और अलग नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर एक उबाल आए तक का हम इसे पका लेंगे मगर बीच बीच में आपको चम्मच भी मारते रहना है। अभी इसमें डालूंगी मैं 1 ढक्कन भर के केवड़ा एसेंट, बराबर है। अभी इसमें जाएगा हम ये, अभी हम इसमें डाल देंगे सोल्ट पाउडर 1/2 चम्मच है ना। अच्छी तरह से हाथों से ऐसे फैला फैला के डालिए और सोल्ट पाउडर इसमें डालेंगे ही तो आपको एकदम अलग स्वाद आएगा और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अभी हम इसे एक उबाल आए तक का मैं इसे चम्मच भी मारती रहूँगी और सही बोलूँ मेरा कि मैंने इतना ध्यान से ही खिचड़े को बनाई हूँ, ना ही मेरा गोश्त गला इसके अंदर, मतलब गोश्त गल के एकदम अलग अलग से अच्छा खाने के लिए बोटी बोटी आ रही थी और ना नीचे से हमारा ये दाग भी नहीं लगा, गला भी नहीं। तो चलिए अभी ऊपर से डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बिरिस्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अभी ये डालने के बाद में मैं फिर एक बार इसे फिर से चम्मच मारूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह
चम्मच मार दी। अभी इसके बाद में लास्ट में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तरफ मैंने गैस को ऑन करके रखी हूँ, उसके ऊपर उसके अंदर रखी हूँ मैंने कम से कम 5 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए, है ना। हाँ। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम होएगा तो इसमें 4 से 5 सूखी मिर्ची डाल देंगे लाल वाली, है ना। उसके बाद में इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसका तड़का दे देंगे। एक नंबर दिख रहा है ना। अभी तड़का देने के बाद ऊपर से हरा धनिया और पुदीना मारेंगे और साथ ही में डाल देंगे बिरिस्ता। ये देखिए इसमें उबाल भी आ रहा है, ये पक रहा भी है, पुक 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 पक रहा है ना। हाँ। अभी ढक देंगे और गैस को कर देंगे बंद। हो गया डन डना डन डन, है ना। अभी इसके बाद में मैं आपको सर्व करके बता दूँ। तो बिस्मिल्लाह बोलकर मैं यहाँ पर खोल रही हूँ और देखिए कितना खूबसूरत खिचड़ा बना है गाइस। जिस तरह का प्यार आप लोगों ने मुझे मटन खिचड़े पे दिए थे, उसी तरह का प्यार मैं चाहती हूँ कि मुझे आप लोग चिकन खिचड़े पे भी दे, है ना। तो बहुत ही ईजी है चिकन खिचड़ा बनाना। और एक बात, ये मैंने पतला दिख रहा है आपको क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इतना घट हो जाएगा कि आपको इसमें पानी डाल के गरम करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें पानी डाल के गरम करेंगे तो गरम पानी ही डालना इसके अंदर, ठंडा अच्छा, पानी नहीं डालना, इससे टेस्ट खराब हो जाएगा। गरम पानी डालना। हाँ, गरम पानी डालना। और ये ठंडा होने के बाद बहुत घट हो गया था। शाम को तो हम लोग का 7-8 बजे मैं इसको चेक करी तो इतना घट हो गया था, एकदम चम्मच में नहीं आ रहा था, है ना। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा पतला ही बनाना। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना, बिरिस्ता और थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल डालेंगे, है ना, और लींबू रखेंगे। और अभी इसे लींबू निचोड़ के खाएंगे। इतना टेस्टी बना था, क्या तारीफ है, काबिल था ये खिचड़ा, मस्त था, एक नंबर था। तो चलिए, इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। अभी मैं आपको खाकर बताती हूँ और आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। और गाइस, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afrozshek95, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। मैं कौन सी रेसिपी डाल रही हूँ, कौन सी स्टोरी रख रही है, वो सब आपको वहाँ पर देखने मिलेगा। तो चलिए, मैंने नींबू निचोड़ दी और अब मैं इसे खा के देखती हूँ। तो खाने के बाद में मेरे चेहरे का इम्प्रेशन गर्म है। माशाल्लाह, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बना था, है ना। रुक रही नहीं थी, मैं तो खाने का शुरू हो गई। तो खिचड़ा सबको पसंद है ना। हाँ। साल में एक बार तो घर में खिचड़ा बनाते हैं। ये देखिए चिकन देखिए कितना बेस्ट एकदम गल गया था और कितना अच्छा था, मस्त। और चिकन खिचड़ा बहुत ही अच्छा बनता है, मैंने खुद ट्राई की हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख।